हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी का चहेता विक्रम। फ्रेंड्स, इस वीडियो को आखिर तक पूरा जरूर देखिए और जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि हमें और भी मोटिवेशन मिलती रहे। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हीरो, वाह वाह, क्या डैशिंग है या? हाँ यार, हीरो हो तो ऐसा, और क्या मूवी है, बहुत मजा आ रहा है देखने में। हाँ नहीं तो क्या, अभी देखा ना तूने किसी फाइटिंग हुई, हीरो ने ऐसे विलन को इतना मारा सिर्फ अपने हीरोइन के लिए। देख शिवा, कुछ भी कहे लेकिन जीत हमेशा प्यार की ही होती है। आइला, मुझे उसकी आइटम एकदम रैपचिक। अबे ठीक से बोला कर। सॉरी, मतलब उसकी प्रियसी, उसकी होने वाली अर्धांगिनी, उसके होने वाले बच्चे की माँ, उसके माँ की सासु को क्या हो? अरे 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 अरे, देख देख देख, किसे हीरो के होंठ पर टूट पड़ी और जो उसके पकड़, ए पीछे से कमर पे, हाँ मान पे। अबे बेशरम, तू पूरे दिन ये गंदी गंदी चीजें देखता रहता है क्या? कुछ अच्छा भी देखा कर, और मुझे ना ये गलत सीख मत दे, स्किप कर इसे। रुक, ये गंदी चीजें, ये तेरे लिए गंदी चीजें है? अबे कितना अच्छा सीन चल रहा है, हीरो के होटल पर, गाल पर, इधर उधर, क्या मजा आ रहा होगा। अबे हर प्रेमी अपने प्रेमिका के साथ यही तो करता है, चुम्मी, दैट्स कॉल्ड किस, किस, किस। जाने दे, मैं क्या बता रहा हूँ तुझे, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। ए शिवा, ये कुछ भी आलतू फालतू मत दिखा मुझे, और बंदर होगा तू। तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तूने आज तक कितनी सारी लड़कियों को किस किया हो। हाँ फिर तो किया है मैंने, बहुत सारे लड़के ऐसे मैंने ऐसे किस करके छोड़ दिए। फिर सच में किया है? नहीं किया, लेकिन हाँ, अगर मेरी गर्लफ्रेंड होती ना तो ये पहले किसका आनंद मैं तो कब का ले चुका हूँ। पहले किस किया मैं तो हर रोज करता, हर घंटे करता, हर मिनट करता, तेरे जैसा नहीं। ए शिवा, मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ, तू ना मुझे ये सब बोलकर उकसा मत, और किसका क्या है, वक्त आने पर खुद ही ले लूंगा, अभी क्या जरूरत है, लेकिन एक दिन लेकर रहूंगा, समझा? क्या मतलब, तूने अभी तक मधु को किस भी नहीं किया? दातरे की, मतलब सच में तुझे किसका थोड़ा सा भी एक्सपीरियंस नहीं है? देख शिवा, मैंने ना ही किस की है और ना ही करूंगा। क्या तुझे ऐसी फीलिंग नहीं आती क्या, मतलब
अंदर ऐसी कुछ 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 नहीं होता क्या? ए शिवा तू चुप बैठ, तुझे नहीं पता यार, मैं जैसे ही मधु के सामने जाता हूँ मेरे दिल की धड़कन धक 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 जोरों से होने लगता है, और जो बोलना होता है वो तो ठीक से नहीं बोल पाता। और ये सब कैसे? क्या ये सब कैसे क्या? वो मुझे कुछ नहीं पता, तू मधु की किस लेकर ही रहेगा। लेकिन सर अगर तू जीत गया ना, मतलब तूने मधु की किस ली ना, तो तूने किडनी मांगी ना मेरी, तो अभी वो दे दूंगा तुझे। हाँ लेकिन तू मधु को कुछ करके ही रहने। तू और ये तेरी फालतू की शर्त, दोनों गए भाड़ में, मैं तो चला सोने और मेरी मधु के ख्यालों में खोने। ए ए वैसा कुछ नहीं, तो शर्त लगाने का चल, मधु को तू किस करेगा, ऐसी शर्त, वाह वाह वाह। और तू टेंशन मत ले, आ मेरे शेर, मैं हूं ना, मैं तेरी सेटिंग करवा देता हूँ किसकी, मैं एकदम जगह ढूंढ लूंगा, फिर तुम जैसे किस। मैं कोई शर्त वर्त नहीं लगाने वाला, मैं तो चला सोने। अरे अरे शर्मा गया होगा मेरा शेर, मैं तुझे सिखाता हूँ ना किस कैसे करते। मैं किस लिए हूँ, जा जा तू अपने मधु के सपने देख, और मैं भूतों की देखता हूँ। यार ये शिवा भी ना पता नहीं क्या क्या उठपटांग बातें दिमाग में भरता रहता है। मैं और मधु किस? नहीं नहीं सोच कर ही डर लगता है, ये सब सोचकर हार्ट बीट बढ़ने लगती है, ये सब कुछ सोचकर ही कुछ कुछ होने लगता। लेकिन अगर ये सच में हुआ तो प्रेम प्रेम तू तो गया काम से, इस शिवा से ना 36 का आंकड़ा रखा कर, अगर ये सब मधु को पता चला ना तू क्या क्या सोच रहा है तो वो जरूर तुझे पीटेगी। लेकिन एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, कल सुबह शिवा से थोड़ी और टिप्स ले लूंगा। मधु मेरी मधु मैं मधु। अरे प्रेम तूने कुछ सोचा कि नहीं? किसके बारे में? हाँ हाँ वही वही किसके बारे में? शिवा तू क्या बोलना चाह रहा है, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, किसके बारे में बोल रहा है? अरे वही तो जो तू बोल रहा है, किसके बारे में? अरे किसके बारे में, किसके उसके? अबे उसके किसके किसके क्या, किसके बारे में, किसके बारे में? अरे वही तो किस। अरे शिवा ठीक से बोल, मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। अरे मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ, तेरी और मधु के? अच्छा तो फिर ऐसे बोलना था ना, किसके बारे में? मुझे लगा ही था तुझ में इतनी हिम्मत है ही नहीं कि तू मधु से किस ले। ए शिवा मेरी हिम्मत के बारे में कुछ मत बोल, ये कोई बाजार से सब्जी लाने जितना आसान थोड़ी है कि बस पैसे दो और लेकर आओ। अरे उल्टा उससे भी ज्यादा आसान है, इसके लिए पैसे भी नहीं लगते, और वैसे भी मधु तुझे ना नहीं कहेगी। अरे एक बार मांग तो देख। क्या मांगने की बात हो रही है? अरे वो प्रेम कह रहा था कि उसे तुमसे कुछ काम है। नहीं नहीं मधु कुछ भी तो नहीं,
ये शिवा ना बस पूरे दिन बकवास ही करता रहता है। छोरे अब बोल ना, अब फट गई क्या तेरी? प्रेम क्या बात है, अब बता भी दो ना। मुझे नहीं बताओगे क्या? अरे मुझे भाभी ऐसा थोड़ी होता है, तुम्हें ही तो बताना पड़ेगा ना। दूसरे को किसी और को बता के क्या फायदा होगा, है ना प्रेम? ए शिवा अब तू चुप बैठ वरना बहुत मार खाएगा। अरे रुक तू मत बता, मैं बता दो। अरे मुझे भाभी सुनो, तू बोल रहा है पिटेगा मुझसे बहुत ज्यादा, मैं बोल रहा हूँ। तुमको मार पीट के अलावा कुछ आता भी है? शकल से गुंडे हो लगते हो। यश तू ना मुझसे गलत ही उलझ रहा है, मैंने तुझसे कुछ कहा क्या? कह के तो देख, यही फोड़ दूंगा। और तू क्या देख रहे, सूखा मछली? तेरे आंखें छोड़ कर ना रसमलाई बनाऊंगा। ये छोटे सुमो रेसलर रुक बे, तू जरा से पुल से चक्की का आटा खाता है जो इतना उछलता है। ए यश तुम जाओ यहाँ से, मेरे दोस्तों को कुछ नहीं कहोगे। दोस्त और ये एक नंबर के गली के गुंडे दिखते गुंडे, आवारे कहीं के, इनके साथ मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। चलो मेरे साथ अभी के अभी चलो। चलो मधु चलो, अरे मेरे को नहीं जाना है। चलो अरे मधु प्रेम। अरे भावड़िया यार भाड़े अच्छे हैं बढ़िया कुछ लिए, इतनी सही ना तू हमारे नादी लगता है क्या? प्रेम अरे ये मोटा ना तेरा साला कहीं का, इसके होते हुए ना तुझे और मधु को किस करने के लिए नहीं मिलेगा, बल्कि ना तुझे मधु को मिलने के लिए बहुत जूते घिसने पड़ेंगे। घिस 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 घिस। बाय 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 मधु बाय। हाँ तू सिर्फ हिलाते ही रहना ए? हाथ हाथ और क्या कर सकता है तू, डरपोक कहीं का। मैं भी चला। लो आ गया तुम्हारे लव स्टोरी का एक और विलन, तुम्हारा कुछ भी नहीं हो सकता। तुला नाही मिळणार कधीच मुका, कारण सारखा चाडवा येतो बोका। क्या मोका बोका, ठीक से बोलना मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो सब जाने दे, अब निपट इस विक्रम से। ए प्यारा आजकल तू ज्यादा ही फुदकने लगा है, हाँ आखिर बात क्या है, क्या करने का इरादा है? तू अपने काम से काम रख, हमें जो करना है हम देख लेंगे। ए साले तुझे बहुत खुजली है, तू कहे तो मिटा दू तुझे और तेरी खुजली को। ची 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 ची, कितने अजीबो गरीब आदत है तुम्हारी विक्रम भाई। अरे अब तो प्रेम को सुसु आ गई है, तो तुम वो बाथरूम में जाके उसका हाथ में पकड़ोगे? अब मेरा मतलब है पैंट पैंट। भाई से मुंह संभाल कर बात कर वरना तुझे इधर ही फोड़ दूंगा। ए तू क्या फोड़ेगा बे मुझे, ये ढापनी डबल बैटरी कहीं का, निकले यहां से वरना तेरी यही पेगिली कर दूंगा। ए बंदरो चुप बैठो वरना सालों मुंह के बल गिर जाओगे, और वैसे भी तुम लोगों के मुंह नहीं लगना चाहता मैं, चल जाओ यहां से। अरे शिवा जरा इन्हें भी बता दे कि मैं भी इनके मुंह नहीं लगना चाहता, और विक्रम तेरी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं मधु से अपना फर्स्ट किस लेने जा रहा हूँ। किसका मतलब समझता है ना तू, किस? किस मतलब चुम्मी। अबे साले
सोचना भी मत। मधु सिर्फ मेरी है, इस विक्रम की। अब सोचना नहीं, करके दिखाना है। चल शिवा। चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा आ आ चुम्मा। हट, जली ना जली, चल बे। चुम्मा चुम्मा दे दे। भाई, पानी सर से ऊपर जा रहा है, हमें कुछ करना पड़ेगा भाई। बच्ची यार, अगर मधु ने मुझसे हाँ कहा होता ना, तो आज कुछ अलग ही सीन होता यार। मैं हार गया बच्ची, पार्टनर्स मैं हार गया, वो साला प्रेम जीतता जा रहा है। भाई भाई भाई, डोंट फियर भाई, व्हेन प्रकाश इज हियर, मैं आपकी कसम खाता हूं भाई, उस प्रेम का बदला मैं लेकर रहूंगा, उसे तो मैं सबक सिखाऊंगा। चल बे मोटे। ए शिवा, उस विक्रम को बोल तो दिया कि मैं किस लेकर दिखाऊंगा, लेकिन मैं जैसे ही मधु के सामने जाता हूँ तो मेरी पैंट गीली हो जाती है। क्या? पैंट गीली हो जाती है? वो भी सर किसके नाम से? अबे क्या तू, ची ची ची, मैं तो ऐसे बहुत सारे वीडियो देखता हूँ और बहुत कुछ करता हूँ, बट डोंट वरी, आज शिवा किस दिन काम आएगा, ये शिवा तेरा वो काम भी कर देगा। ए शिवा, ये क्या बोल रहा है तू? गद्दार कहेंगे तू मधु को? छी, ए ए ए पागल, तू जैसे सोच रहा है वैसे कुछ नहीं, मैं सिर्फ तुझे सिखाऊंगा कि किस कैसे करते हैं। ऐसे बेटा। अच्छा, लेकिन तूने कहां से सीखा? वो ना हमारे घर के पास ना उसकी क्लास है। हाँ, मैंने वहीं से सीखा, तुझे लगा नहीं क्या? फीस जरा ज्यादा है, लेकिन पहचान के है इसलिए एडजस्ट होंगे। हट पागल, गलती होगी मुझसे, माफ कर दे। अब बताना कैसे करते हैं किस? बताओ, मुझे शर्म आती है। मुझे कैसे शर्म नहीं आएगी फिर, तू तो लड़के के सामने शर्मा रहा है। अब बताता हूँ तुझे। तो फिर देख, लड़की को ऐसे ऐसे छूने का, एकदम नाजुक, फिर उसे ऐसे पकड़ के कस के अपने बाहों में भर के लेने का। अभी पास होनो ऐसे। अबे छोड़, तू सिखा रहा है कि पप्पी ले रहा है? अबे तुझे तो मैं प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ ना, तो फिर ऐसा क्यों कर रहा है तू? शिवाला भाई मेरा, महाराष्ट्र से आया हो, जय महाराष्ट्र। कौन से भी काम में हम पीछे नहीं है, वो चाहे किस हो, चुम्मे हो या फिर कुछ और हो। सिखा रहा हूँ तो सीखना है तो सीख, वरना मैं चला जाऊँ कि मैं नहीं, नहीं जाता हूँ। एक मिनट, लेकिन किस्मत लेना। तू, तेरी कौन किस लेने वाला है? सिखाऊ के नहीं सिखा? तो फिर कॉन्सेंट्रेट। उसके जुल्फे इसे साइड को करने की, इधर करने की, फिर उसके कोमल होठों पर से ऐसे हाथ घुमाने का, फिर पास आनो, पास आनो, उसके गुलाब जैसे होठों पर देख देख कर उसे ऐसे झुकाने का। बेटा,
इधर देख, एक्सप्रेशन दे, अच्छे से एक्सप्रेशन देने का, हाँ वरना वो फीलिंग नहीं आती, एक्सप्रेशन दे। तुम दोनों के ऊपर मुझे पहले से ही शक था और आज मैंने आंखों से देख, यश तू जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, मैं तुझे पीछो तुम जैसे समझे हो क्या, मैं जाके अपनी दीदी और पूरे स्कूल को बता दूंगा। अरे रो, अबे साले शिवा पागल, तेरी वजह से मेरी बच्ची कुछ इज्जत भी इस मोटे के सामने उतर गई। इस मोटे को भी अभी आना था, जल्दी से चल वरना ये पूरे स्कूल में ढिंढोरा पीटेगा। बचाओ, मेरी इज्जत टूटने टूटने रही है। यश भाग, तेरी इज्जत का सवाल है, भाग भाग यश। जब से आया है तब से नाक में दम कर रखा है, जी तो करता है इसे पेड़ को ऐसे उल्टा लटका के इतना मारो वो भी पोकल बांबू से मारो, वो भी नंगा करके। ये सब तू बाद में सोचना, लेकिन अभी साले को पकड़, वरना ये न जाने किस किस को किसके बारे में बता देगा। किसके बारे में? अरे किसके बारे में? हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, किसके बारे में? अरे किस किस किस? हाँ बोलना किस किस के, फिर किसके बोलना जूता? किस? हाँ वही, तेरे किसके कारण ये सब हुआ है। भगवान कहाँ फंसा दिया मुझे, बिना कुछ किए हुए मेरी तो इज्जत लूट गई। किसका आइडिया किसका था? अब ज्यादा नाटक मत कर और उस साले को पकड़, चल। क्या शिवा, तू लड़कियों के पीछे भागने की वजह इस छोटे छोटे बच्चों के पीछे भाग रहे इस उम्र में? बाप बेटा, वरना मेरा उठ जाएगा। क्या? हाथ 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 उठाने की बात कर रहा है शिवा, पूरा बोलो कर। एक तो इस मोटे गेंडे को वैसे ही कंफ्यूजन है और तू और इसे बढ़ावा दे दे। अगर तू मेरे ऊपर हाथ उठाएगा तो मेरी लात उठेगी। यस देख, मैं बताता हूँ तुझे सब। क्या दिखाना चाहता है? जो मुझे देखना था वो देख लिया। अरे मेरे बाप, तू मुझे गलत समझ रहा है, देख मैं तुझे सब बताता हूँ। ए, 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 रुक। अब क्या बताएगा तू इसे? तुझे इसके बहन के साथ चुम्मी लेने, तू उसकी प्रैक्टिस तो मेरे साथ कर रहा था, चुम्मी की प्रैक्टिस। शिवा तू चुप बैठ और यश तू भी चुप बैठ। अब मेरी बात ध्यान से सुन, मैं तुझे रोज 2-3 चिप्स, चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक दूंगा। चिप्स तो रोज ठीक है, अब आया ना उठ पहाड़ के नीचे। क्या कहा इस बंदर ने? डील फाइनल। मैं तुझे हर रोज चिप्स खिलाऊंगा, किसी से कुछ मत कहना। ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगे कि किस दिलदार से पाला पड़ा था।
वो तो देखो जिलदार का। और तुम दोनों शाम को मिलना, बाकी के हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे। और भूलना मत कि मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक है? तुम लगे रहो बाथरूम में, उछलता हूँ। चल अब बड़ा आया किस करने वाला। तू किस कर या ना कर, मैं तो चला। अरे शिवा सुन तो, चला गया। क्या किया यार। विक्रम भाई, विक्रम भाई क्या हुआ है? उस प्रेम ने विक्रम भाई के चेहरे का नूर ही छीन लिया। अयो राम पाप, नूर नहीं भाई की जिंदगी का सुकून छीन लिया। हमारे विक्रम भाई ने सोचा था अपनी मधु भाभी को बीबी बनाने का, लेकिन उस प्रेम साले ने मधु भाभी के साथ शादी करके बच्चों का मामा बनाने का सोचा है। हाँ नहीं तो क्या, उधर वो प्रेम मधु भाभी को किस करने के सपने देख रहा होगा, और अगर वो उन्हें हनीमून पे ले गया तो हम क्या देखते रहेंगे? ओयो रामो पापो, मुझे पता भी नहीं और वो दोनों हनीमून के लिए जा रहे हैं। अबे गेंडे, अगर तुझे पता होता तो तू क्या उनके साथ चला जाता? मैं तो सिर्फ कह रहा हूं, लेकिन ये बात सच हो गई तो प्रेम मधु भाभी को किस करने की सोच रहा है? अयो रामो पापो, उन्हें जल्दी से जल्दी रोकना होगा, वरना हमारे इस विक्रम भाई का प्यार अधूरा रह जाएगा। विक्रम भाई आप टेंशन मत लो, इस वेंकटेश के रहते हैं, आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा, आप टेंशन फ्री रहो। मैं अभी जाके उस प्रेम को सबक सिखा के आता हूँ। हाँ मोटे, हमें कुछ करना पड़ेगा, हम उनकी राहु दशा में शनि बनकर बैठेंगे और तू ग्रहण वाला चांद बनकर बैठ। और मैं पीछे जाऊंगा, अब आएगा मजा। चल मोटे, कि प्रेम कैसे मधु को किस करता है। चलो क्या कर रही हो? दिखता नहीं क्या कर रहे हो? अरे ये तो छोटे बच्चे करते हैं। ये और ये तो कर रही है। वो तेरा शिवा किधर है? मुझे क्या पता? अरे तुझे नहीं तो क्या हमें पता होना चाहिए? वो भटकता रहता है दिन भर उस प्रेम के साथ, तुझे रहना चाहिए उसके साथ और तू ये सब कर रही है। अयो रोशनी, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ ना, इसलिए मैं तुम्हें एक आइडिया बताऊंगा। तुम क्या करोगे, तुम शिवा के पास जाओगे और उसको किस करोगे? हाँ तभी तो वो तुम्हारे प्यार में पड़ेगा। वो तुमसे प्यार करता है क्या? नहीं। हाँ तो उसका ही उपाय है हमारे पास। क्या? किस करने का। अगर तुम किसी को किस करोगे तो वो तुम्हारे प्यार ही में गिर जाता है, वो तुमसे गहरा प्यार करेगा। वो किसी लड़की की तरफ देखेगा भी नहीं, सिर्फ उसे तुम ही देखोगी चारों तरफ। रोशनी 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 देखोगी। क्या सोच रही हो, जल्दी जाओ उसे किस करो। हाँ मैं अभी जाती हूँ और किस करूंगी मैं शिवा को। ऐसे जोर से पप्पी देना, जोर से ऐसे बाहों में भींच के, बता बाहों में भींच के कसक के। तुम दोनों को हो गए तो मैं जाऊँ क्या? अब मैं जाती हूँ। अब पप्पी लेना है उसकी। हाँ हाँ पप्पी। अब आएगा मजा, शिवा तो गया।
ब्लेस यू आकी पप्पी, चुम्मा चुम्मा दे दे, चल जल्दी से, चुम्मा चुम्मा दे दे, चुम्मा, चल जल्दी से, हमें उनकी किस भी लेके नहीं है, हाँ, चल चल चल, प्रेम, वो देख, मधु अकेली जा रही है, अब तेरे इज्जत का सवाल है, यही है मौका, मार दे चौका, हाँ यार, ट्राई करता हूँ. अब तो मधु को अकेले में ले जाना ही पड़ेगा. अबे साले ट्राई मत कर, अब सीधा कर ही डाल, और नहीं तो पार. ले इमरान हाशमे का नाम और टूट पड़ तेरे हीरोइन पर. ऐसा टूट पड़ना ना कि बस दोनों की दोनों बेहोश हो जाए. अरे तो तुमसे कुछ काम है. क्या काम है? तो फिर करना तेरा काम, मुझे नहीं तेरे से काम. मैं चला. मुझे तुमसे कुछ चाहिए. शिवा, शायद उसे भी तुझसे किस चाहिए. क्या? अरे पागल, पूरी जिंदगी कुंवारा रहूंगा, लेकिन किस और इसे कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं. शिवा, ए शिवा, प्लीज ना मत कहना, मुझे उसकी बहुत जरूरत है. एक बार ही तो देकर देख लो, तुम्हें बड़ा मजा आएगा. ए पागल, क्या बात कर रही है? ए भगवान, लगता है आज मेरी इज्जत लूट के ही रहेगी. हाँ शिवा, करके देख लेना, क्या पता तुझे भी मजा आ जाए. ये पागल होगी क्या तू? तू इधर आ, तू इधर आ, ये हाथ पकड़. प्रेम, इसे ले जा सीधा बाथरूम में ले जा. ये इस मूठी के साथ रह रहकर ये भी पागल हो गई है. हाँ मधु, वैसे मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी. चलो हम बाहर चलते हैं, शिवा रोशनी को देख लेगा. और रोशनी, मेरे दोस्त शिवा से तुम्हें जो चाहिए ना वो तुम ले लेना. जा शिवा, दे दे उसे, जा दे दे अबे, दे, अबे, दे अबे तेरी तो जमाइला. अबे मैंने तेरी सेटिंग लगा दी और तू मेरी वाट लगाने पे तुला है, पागल कहीं का. चल ना शिवा, चल. ए चलना चलना क्या, चल, चल तो. ए नहीं नहीं, छोड़ मुझे. ये भगवान, इस काली भैंस से कौन अपनी इज्जत लुटा के लेगा. भगवान बचा ले, नहीं भगवान तो नहीं आएगा, मुझे ही भागना पड़ेगा. भाग शिवा, वरना ये तेरी इज्जत. किधर भागू? अरे अरे शिवा रुक. अरे शिवा, मुझे तो सिर्फ तुमसे नोटबुक चाहिए थी. जल्दी को कहीं कोई देख ना ले. मधु, अगर मैं तुमसे कुछ मांगू तो क्या तुम दोगी? अरे तुम मांग के तो देखो, तुम्हारे लिए तो जान भी हाजिर है. कुछ भी मत बोली जाओ. मुझे तो सिर्फ, मुझे तो सिर्फ क्या, मुझे तुमसे, तुम्हें मुझसे क्या, कैसे कहूं मधु, समझ नहीं आ रहा. ठीक है फिर मत कहो, मैं जाती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी. लेकिन मधु, मोटे चल कुछ कर दिखाते, इन्हें ऐसा सबक सिखाएंगे कि ये खून के आंसू रोए. हाँ नहीं तो क्या, अब आएगा मजा. हाँ चलो. मधु, मैं तुमसे, हाँ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है और घर में सब ठीक है ना? यश कैसा है? वैसे तुम तो अच्छी हो. और तुम्हारे पापा कैसे हैं? सब अच्छा चल रहा है मेरा, मेरे घर वाले सब अच्छे हैं, मैं क्यूट हूँ, मेरे भाई क्यूट है, सब कुछ अच्छा है. पर ये सब पूछने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया? मैं तो कुछ अलग ही फिल्मों ड्रामे जैसे सोच रही थी. सच में पागल हो, मुझे बहुत भूख लग रही है. बाय बाय, मैं जा रही हूँ. अरे यार प्रेम, तुझ में तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है. तू बस इतनी सी बात नहीं बोल पाया कि मधु मुझे तुमसे किस चाहिए. क्या यार, तुझ में तो हिम्मत भी नहीं है.
अब क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ तो करना ही पड़ेगा, कैसे बताऊं उसे। तो दोस्तों, आपने देखा प्रेम की हिम्मत नहीं हुई मधु को किस मांगने की, तो बेचारा प्रेम अब क्या करेगा, मधु को किस मांग पाएगा या नहीं, ये देखने के लिए देखते रहिए आपकी, हमारी, हम सबकी यादों की पाठशाला।